हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे वाइवा वॉक की, और वो भी पोटेंशियोमीटर के लिए, और मैं एक्सप्लेनेशन भी कुछ दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज़ योर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप लोग एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी सेल का, आर जिसको कहते हैं, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा सेल है तो आप उनके जो EMF होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। विच ऑपरेटर्स यूज इन यूर एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं, पोटेंशियो मीटर यूज करते हैं। शॉर्ट में मैं इसको PM लिखूंगा कहीं पे, पोटेंशियो मीटर। व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियो मीटर। अब पोटेंशियो मीटर काम क्या आता है, अगर जैसे आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इसके बीच में अगर आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों को पोटेंशियो मीटर का यूज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियो मीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो उसका प्रिंसिपल जो है वो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बैलेंसिंग लेंथ। अब ये आया बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज ये एक वायर है, और ये वायर पे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, और यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया है, पोटेंशियल पॉजिटिव अप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। जब इधर जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल कम होता जाएगा, इधर जाएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल कम होता जाएगा, और इनके बीच में कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग अगर टच करें तो जो पोटेंशियोमीटर है या गैल्वेनोमीटर जो लगाएंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट में, उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो होगा, मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि करंट फ्लो किस कारण से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है दो पॉइंट के बीच में। तो सपोज यहाँ पे टच किया हमने जॉकी को, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया, जीरो आया, मतलब ये जो यहाँ तक की लेंथ हो गई है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अब ये लेंथ कितनी होगी, जितना हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे इनके बीच में तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है ये बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ जो आया था वो अब यहाँ पे कहीं पे आए, है ना। अगला क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कोई सा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर के अलावा जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के पास के लिए हमारे पास एक होता है वोल्ट मीटर। देखिए ये जो है ये मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मतलब एक से ज्यादा काम करता है। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट लिखा है, मतलब इसके थ्रू हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वी कैन नॉट यूज वोल्ट मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर को हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, तो उसका रीजन ये है कि वोल्ट मीटर को अगर आप यूज कर रहे हो तो ये थोड़ा बहुत करंट जो है वो ड्रॉ करता है, करंट ड्रॉ करता है जब हम इसको एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। और जब हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, अब पोटेंशियोमीटर जो है उसमें क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर ड्रॉज नो करंट, उसमें कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है। यहाँ पे लिखा था ना हमने गैल्वेनोमीटर में जो था कितना डिफ्लेक्शन था, जीरो, मतलब कि वो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा था, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा है पोटेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए पोटेंशियोमीटर में एक इतना बड़ा कार्डबोर्ड होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, इसमें 10 वायर लगे हुए रहते हैं जो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। कितने वायर होते हैं, 10 वायर होते हैं, और ये वायर जो बना होता है ये कॉन्स्टेंटन आर मैगनीन का बना हुआ होता है, मेटल के नाम है कॉन्स्टेंटन आर मैगनीन। Why is the wire of potentiometer is of constantin or magnesium? तो जो ये constantin और magnesium के जो बने हुए वायर होते हैं उनका एक तो होता है टेम्परेचर कोफिशियंट की बात करें तो टेम्परेचर कोफिशियंट हाई होता है इसलिए यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है इसलिए यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इस वायर का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो क्या होता है, लो होता है, इसलिए कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन को यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर के वायर के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट इट्स यूनिट।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले बात करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, किसी चीज़ की वैल्यू क्या हो रही है, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ये कह सकते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल। जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में है, थोड़ा दूर गए तो पोटेंशियल क्या हुआ, चेंज हुआ। और दूर गए तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। और दूर गए तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। मतलब अगर हम लोग इस वायर पे इस तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे और दूर जाते जाएंगे इससे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल, और इसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईएमएफ ऑफ अ सेल। यहाँ पे बात हो रही है ईएमएफ की, तो मैं आपको ये बता दूँ, जैसे ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है प्लस और एक इलेक्ट्रोड क्या है, माइनस, और ये पूरा किस में है, ओपन सर्किट में है। तो इसके जो डायोड्स टर्मिनल्स है, इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोला जाएगा, ई एम एफ। द ई एम एफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। इसी के कंपैरिजन में आप लोग एक पढ़ते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक ईएमएफ हो गया और एक क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस समझना है, तो डेमो भी दिया है उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट। वाई पोटेंशियोमीटर इज नॉन एज आइडियल वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है ड्रॉज नो करंट, मतलब कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक बैलेंसिंग लेंथ लेके आते हैं, उस बैलेंसिंग लेंथ के दौरान जो गैल्वेनोमीटर होता है, उस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, जीरो। मतलब कि गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट उस दौरान सर्किट में फ्लो नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं कि ड्रॉज नो करंट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइडियल वोल्ट मीटर भी बोला जाता है। हाउ कैन वी इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस होती है इसमें कितने वायर ऐसे होते हैं, 10 वायर होते हैं, कितने होते हैं, 10। तो इस पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें, लेंथ को इंक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास एक इतना बड़ा वायर है, यहाँ पे प्लस कनेक्ट किया या माइनस किया और इस पे कितना वोल्ट लगाया, 5 वोल्ट, और एक वायर हमने इतना बड़ा ले लिया, सपोज इसकी बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे आई है, तो अब जो 5 वोल्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा लेंथ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो बैलेंसिंग लेंथ हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली इसको डिफाइन कर पाएंगे, इस बैलेंसिंग लेंथ को। रीडिंग तो वही रहेगी, रीडिंग बस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इस पे फेल जाएगी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ टू सेल, तो उसके लिए ये होती है ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन, सॉरी एल वन अपॉन एल टू। तो ई वन और ई टू क्या है, ईएमएफ उन दो सेलों के जिनको हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं ईएमएफ को। एल वन और एल टू क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, किसकी बैलेंसिंग, एल वन बैलेंसिंग लेंथ है जब सर्किट में हमने किसको इंसर्ट किया था, ई वन को, मतलब फर्स्ट सेल को, और एल टू जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है, किसकी बैलेंसिंग लेंथ है, सेकेंड सेल की। अगले क्वेश्चन, व्हाट मेजर प्रिकॉशन शुड टेक ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करें, इसका सर्किट डायग्राम इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है इसमें और एक होता है सेकेंडरी सर्किट होता है, इस तरीके से सर्किट होता है। यहाँ पे लगा हुआ रहता है रियो स्टेट, ये की हो गई और ये एक सेल हो गया, ये प्राइमरी सर्किट है, और प्राइमरी सर्किट जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है। अब आप जिन दो सेलों को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जिनका ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हैं, एक सेल यहाँ पे लगाते हैं हम लोग और दूसरा यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो गया ई वन और ये हो गया E2। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, सभी एक तरफ होना चाहिए। और
इनके सारे के नेगेटिव जो है वो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स यूज इन द एक्सपेरिमेंट शुड बी कनेक्टेड एट वन एंड। ये मेजर प्रिकॉशन है एक्सपेरिमेंट के दौरान। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का। उसके लिए भी इस टाइप की एक इक्वेशन बनती है, उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सेल जो होता है उस सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड काई में डूबे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं, लिक्विड भरा हुआ यहाँ पे रहता है। तो एक तो इनकी साइज पर डिपेंड करते हैं, एक इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इनका एरिया जितना ज़्यादा डूबा हुआ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा अपोज करेगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।